देखना ये वाले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, ये वाले फाइनल कर देते हैं फिर। भैया ये वाले फाइनल कर दीजिए आप। ठीक, सूट करेंगे वैसे आपको ये वाले। आइए मैम बैठिए, क्या देखें? नहीं भैया मुझे कुछ देखना नहीं है, वो मैं अपने कुंडल बेचने के लिए आई हूँ। इसकी कोई रसीद वसीद होगी ना आपके पास, वो दे दो आप तो मैं आपको बजट बता दूंगा। भैया इसकी रसीद तो अभी मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रखी है। आप इसका जो भी बनता है आप मुझे वो दे दीजिए। अरे मैडम पर ऐसे हम भी नहीं दे सकते ना, आपके पास रसीद भी नहीं है, बाकी कुछ हो या तो किसी तरह पता तो चले। देखिए भैया अभी रसीद तो नहीं है मेरे पास, पर जैसी मिलेगी मैं आपको लाके दे दूंगी। अभी ना मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसी क्या मजबूरी है, आप सोना लोग खरीदते हैं, आप बेचने पे तो लिए। क्या करूं भैया, तकलीफ ही ऐसी है। 4 महीने से मेरे बच्चे की स्कूल की फीस नहीं गई है और आज आखिरी दिन है। अगर आज मैंने उसकी फीस नहीं दी तो उसको स्कूल से निकाल देंगे। ये बात आप अपने हस्बैंड से करिए ना। मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे। मैं काम ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला है। आप देख लीजिए अगर कुछ बन सकता है तो मुझे दे दीजिए। आज तो मुश्किल है मैम, आज नहीं हो पाएगा, है नहीं ना। एक्चुअली क्या है, बड़े भैया भी रहते हैं यहाँ पर, वो भी है नहीं तो वो ये सारी चीजें में डील करते हैं। वो एक बार आ जाए तो अगले हफ्ते तक मैं करवा सकता हूँ किसी तरह। देखिए भैया 1 हफ्ता बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझे ना आज कैसे भी करके अपने बच्चे के स्कूल की फीस देनी है। आप देख लीजिए, थोड़ी कोशिश कर लीजिए। फिर तो मुश्किल है मैडम, सॉरी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैम आप बताएं कौन सा, ये वाला कह रहे थे ना? अरे यार लेकर कहाँ जा रही हो? अरे तुम चलो तो सही। अरे बुकिंग अमाउंट तो देने देती यार। मुझे वो कंगन अब नहीं चाहिए। एक मिनट, क्या कहा तुमने, कंगन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तुम ठीक हो ना? सच में तुम औरतों को ना कोई समझ नहीं सकता। 1 महीने से मेरी जान खा रखी है, कंगन चाहिए कंगन चाहिए, अब कंगन दिलवा रो तो कंगन नहीं चाहिए। देखो पहले चाहिए थे पर अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं लग रही तो मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तुम बुकिंग अमाउंट लेके आए थे ना, लाओ मुझे पैसे दो। अरे दो। हाँ दे रहा हूँ यार, आराम से, एक मिनट ये लो। चलो मेरे साथ। अब कहाँ चल? चलो। अरे लेकर कहाँ जा रही है ये तो बता दोगी मेरे। दीदी वो आप बहुत परेशान है, हमने ना वहाँ ज्वेलरी शॉप पे आपकी सारी बातें सुन ली थी, आप प्लीज रोइए मत। हमें ये पूछना था आपकी जो बच्ची है वो कौन सी क्लास में है? मेरी बच्ची 6ठी कक्षा में पढ़ती है। अच्छा दीदी, आपकी बच्ची की फीस नहीं गई है 4 महीने से, तो कितनी फीस होगी उनकी? 8,000 रुपये। दीदी ये मेरे पास पूरे 10,000 रुपये हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसमें से अपनी बच्ची की फीस जमा कर दें। नहीं नहीं दीदी, मैं ही पैसे कैसे ले सकती हूँ, मैं तो ये कुंडल बेचने के लिए निकली थी कि ये कुंडल बेच के पैसे आ जाएंगे, मैं ऐसे पैसे नहीं रख सकती। दीदी प्लीज आप मना मत कीजिए इन पैसों के लिए, आप यही समझ के रख लीजिए कि आपकी छोटी बहन दे रही है और मैं नहीं चाहती कि पैसों की वजह से कोई बच्ची पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, तो प्लीज मना मत कीजिए, आप रख लीजिए। अच्छा दीदी अगर आप पैसे दे रहे हो तो आप इसके बदले में ये कुंडल रख लो, ये मेरी माँ के कुंडल है। नहीं नहीं, आपकी माँ ने आपको ये दिया है तो उनकी आखिरी निशानी हुई ना, वो कभी नहीं बेचनी चाहिए, आप ही अपने पास ही रखिए। और
ये मदद मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, प्लीज आप इनको मना मत कीजिए, आप ये रख लीजिए। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड की अच्छी कंपनी है, आपकी जॉब भी नहीं है तो। हाँ वो मैं कर लूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, ये मेरा कार्ड है, कल इस पते पे आ जाइएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया भैया, आज के जमाने में तो अपने ही अपनों की मदद नहीं करते, आप लोग तो मुझे जानते भी नहीं हो, इसके बाद भी आपने मेरे लिए इतना किया। मैंने तो बस ये सुना था कि फरिश्ते होते हैं, पर आज आप लोगों के रूप में देख भी लिया। दीदी इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आखिर में इंसान ही तो इंसान के काम आता है ना। वैसे सही कहा था मैंने, तुम औरतों को कोई नहीं समझ सकता। तुम्हें कंगन नहीं मिलने वाले पता है ना? हाँ हाँ पता है, उन कंगन से ज्यादा ना आज मुझे सुकून मिला। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो काम तुमने आज किया है उसके लिए तुम्हें कंगन नहीं क्राउन मिलना चाहिए।